अस्सी परसेंट ऑफ द केसेज में इस मिनरल में जिसकी मैं बात करी उसमें डिफिशेंट होती हैं हर चीज में ही इन्वॉल्व है तो आ, उस पर ध्यान नहीं दिया जाता everyone, this is Dr. Chandra, right service. के लिए ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है बिकॉज आपके पास चालीस साल से उम्र की आ, उपर की खातन जो है उम्र की वो एटी परसेंट ऑफ द केसेज अस्सी परसेंट ऑफ द केसेज में इस मिनरल में जिसकी मैं बात करी उसमें डेफिशेंट होती हैं जो कि आपके इम्यून सिस्टम में भी इन्वॉल्व है बालों में भी नाखनों में भी इन्वॉल्व है स्किन में भी इन्वॉल्व है आपकी बॉडी जो कितनी जल्दी हील करता है उसमें भी इन्वॉल्वड है आपकी हार्मोन्स में भी इन्वॉल्वड है आपके मूड में भी इन्वॉल्वड है आपकी मेमोरी में भी इन्वॉल्वड है तो गोया कि आपकी सेंसेस में भी इन्वॉल्वड है हर चीज में ही इन्वॉल्वड है तो उस पर ध्यान नहीं दिया जाता विटामिन डी और कैल्शियम तो फिर भी बहुत बात होती है इस पर इतनी बात नहीं होती तो मैंने कहा चल इस पर बात कर लेते हैं बात हम करने लगे हैं जिंक की और क्यों वो के लिए इतना ज्यादा ज़रूरी है और कम इससे हो जाता है क्योंकि पैंतीस के बाद जिस तरह आपके स्टमक में तेज़ाब कम होता है तो जिस तरह बाकी सारे न्यूट्रंस जिससे हमें कम एबज़ॉर्ब होते हैं जैसे कैल्शियम भी और अब आयरन भी कम एबज़ॉर्ब हो रहा है मैग्नीशियम भी उसी तरह जिंक भी कम एबज़ॉर्ब होता है और जिस तरह कैल्शियम और वाइटामिन डी पर बहुत ज़्यादा बात की जाती है औरतों में हड्डियों की वजह से लेकिन जिंक पर इतनी बात नहीं की जाती जिससे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स होते हैं और मैं आपको ये बता दूँ ये मैंने पहले भी एक वीडियो में बात की थी कोविड से एसोसिएटेड जितने भी लोग जिनको सा जायका आना और खाने की खुशबू आना बंद हो गया था वो जिंक की वजह से होता है इतनी छोटी सी चीज़ें मैंने अपने क्लाइंट्स में कोविड वाले जिंक बीस बीस मिलीग्राम रूस्ट्रू कराया दो महीने में उनका जायका और उनका सूंघने वाली जो सेंस थी वो वापस आ गई और प्रॉपर एक डिजीज हो जाती है आपको जिंक की कमी से हाइपोगीजिया जिसको कहते हैं अगर आपके पास जिंक कम हुआ क्योंकि आपको हाइपोगीजिया कहते हैं कि आपके जो जबान के टेस्ट के रिसेप्टर्स है ना वो जिंक पर डिपेंड करते हैं तो आपको खाने का जायका नहीं आ रहा होता खैर अब हम आ जाते हैं ख़वान के ऊपर जिंक आपके बाल फोटी के ऊपर एक तो मीनोपॉज की वजह से गिरना शुरू हो जाता है क्योंकि जिसमें एस्ट्रोजन कम हो रहा होता है वाइटमिन डी आपने ले रहे बाल गिर रहे हैं जिंक आपके दिमाग में आपके सॉरी स्किन के स्कैल्प में सही अमाउंट ऑफ मॉइस्चर नमी आ, एक ग्लैंड से बेशस ग्लैंड से निकालने में काम आता है सीबम अगर वो सही नहीं होगा तो जो बालों की जड़ें हैं वो कमज़ोर होंगी हेयर फॉलिकल्स उसके साथ साथ आपके हेयर फॉलिकल्स बालों की जड़ों को बनाने में भी जिंक काम आता है और ये जो बाल की प्रोटीन है इसको बनाने में भी जिंक काम आता है तो आपके बाल गिरना शुरू हो जाते हैं और यही वाली प्रोटीन क्योंकि आपके नाखनों में भी होती है स्किन में भी होती है डैमेज होना शुरू हो जाते हैं अब क्योंकि जिंक आपके पास कॉलोजन टिश्यू बनाने की भी काम आता है कॉलोजन बॉडी की सबसे ज्यादा तादाद में पाई जाने वाली प्रोटीन है जो कि हड्डियों से लेकर ब्लड वेसल से लेकर आंखों से लेकर स्किन से लेकर टिश्यूज से लेकर आपकी हड्डियों के टेंडेंस और लिगमेंट तक से लेकर हर जगह पे मौजूद है तो अगर कॉलेजन कम होगा अगर आपको चोट लग जाएगी चोट जल्दी हील नहीं होगी मसूलों से भी खून आएगा क्योंकि हमारी स्किन हर वक्त एक रिपेयर के प्रोसेस में होती है तो वो रिपेयर और रिन्यूअल भी नहीं होगा जिंक का एक तो डिप्रेशन मीनो की वजह से आ रहा होता है दूसरा, दूसरा जिस वजह से डिप्रेशन चोट जाता है वो जिंक की कमी से क्योंकि जिंक दिमाग में सरोटामिन और डोपामिन जो कि आपका मूड कंट्रोलिंग हार्मोन है उसको बनाता है तो अब वो भी नहीं बनेगा और मेमरी भी साथ साथ कम होना शुरू हो जाती है क्योंकि जो जिंक है वो आपके रिफ्लेक्सेस को और दो नर्व्स एक दूसरे के

क्ट्रा एक्सेट्रॉस में नहीं जाते हैं उन जंक्शंस को भी बनाने में काम आता है तो जब जिंक की कमी होती है वो जंक्शन बनते नहीं है खाना जो है वो ब्लड स्ट्रीम में लीक होना शुरू हो जाता है लीकी गर्ट वहाँ से इम्यून सिस्टम और ये सारे प्रॉब्लम्स भी इम्यून सिस्टम भी नेचुरली डाउन चला जाता है जिंक की वजह से क्योंकि जिंक जो आपके वाइट ब्लड सेल्स हैं ये आपकी इम्यून सिस्टम की पहली आर्मी होती है जो बैक्टीरिया और वायरस को अटैक करती है उसके भी फंक्शन में काम करते हैं और जिंक जिसमें एंटीबॉडीज़ बनाने में भी काम आता है एंटीबॉडीज़ वो प्रोटीन है आपकी बॉडी के दिफा सिस्टम और इम्यून सिस्टम की जो बाहर से आने वाले जरासिम को फ़ौर टैक करती है फ़ौरन पहचानती है उसको डिस्ट्रॉय करने में नलीफाई करने में काम आती है तो जिंक को पूरा करने का तरीका क्या है और जिंक बॉडी में किस तरह निकलता है इसके साथ अगर आप शुगर वगैरह लेंगे मैं पहले भी बात कर चुकी हूँ जो शुगर और रिफाइंड काप्स हैं वो जिसम से बी वाइटामिन और जिंक को फ्लेश आउट करते हैं जिंक का रिचेस्ट सोर्स जो है वो आपके पास रेड मीट है और इसके अलावा शेलफिश ये आपके पास जिंक के रिचेस्ट सोर्स हैं अगर जिंक की बहुत कमी हो तो डेली पंद्रह से बीस मिलीग्राम का सप्लीमेंट आप एम स्टमक भी ले सकते हैं खाने के दो बाद दो घंटे बाद ले सकते हैं जिंक को बिल्कुल आप खाने के साथ नहीं लेते इट्स नॉट एन हेल्दी आइडिया मैंने भी आपके पास जिंक और बी टामिन के लिए खात के लिए एक चीज़ तैयार की है ऑर्गेनिक प्रोटीन पाउडर फॉर वुमेन इसमें क्योंकि ग्राइंडेड फॉर्म में नट्स और सीड्स हैं तो आपको खालिश जिंक मिलेगा नट्स और सीड्स अगर आप ग्राइंडेड हुए बगैर लें तो आपको जिंक उस तरह से नहीं मिलता वो जिससे में एब्सॉर्ब नहीं होता मैंने फ्रेश ऑर्गेनिक ग्राइंडेड नट्स और सीड्स में डाले हैं पाकिस्तान की सारी रेगुलेटरी अथॉरिटी से ये अप्रूव्ड है लिंक uh, मैं कॉमेंट सेक्शन में दे दूंगी पूरे पाकिस्तान में शिपमेंट हो रही है आप चाय तो ऑर्डर कर सकते हैं इसके एक चम्मच में ढाई ग्राम प्रोटीन है ये ग्लूटन फ्री है लेक्रोस फ्री है शुगर फ्री है यानी सब लोग ले सकते हैं सकते हैं इसके भी दिन में दो चम्मच अगर आप लें तो हो सकता है आपको जिंक सप्लीमेंट की जरूरत भी ना पड़े आई होप ये वीडियो आप लोगों के काम आएगी आज से ऑल इन दिया इन्फॉर्मेशन वीडियो तब तक के लिए